नमस्कार, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कामायनी गजानन सुर्वे आज TYBA के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र अर्थात S3 स्पेशल पेपर नंबर 3 के भक्तिकालीन साहित्य की एक महत्वपूर्ण इकाई ज्ञानाश्रयी शाखा उसकी विशेषताओं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आइए अब हम ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। रूपरेखा बता रही है कि भक्तिकालीन साहित्य निर्गुण एवं सगुण, इसकी हम आरंभ में चर्चा करेंगे, फिर ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं देखेंगे और प्रमुख संत कवियों का सामान्य परिचय भी देखेंगे। जैसा कि हमें विदित है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण दोनों दृष्टियों से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चार काल उसमें बताए गए हैं और चार कालों में से भक्तिकाल की एक इकाई ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात संत काव्य की विशेषताओं की चर्चा अब हम करेंगे। पूर्व पीठिका के रूप में भक्तिकालीन साहित्य की निर्गुण एवं सगुण काव्यधाराओं का सामान्य परिचय देखते हैं। निर्गुण भक्ति साहित्य, इसकी दो शाखाएं हैं। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत साहित्य या संत काव्य कहा गया है और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी साहित्य उसे कहा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के सिरमौर कवि कबीर हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लिया जाता है जिनकी पद्मावत कृति अमर है। निर्गुण भक्ति साहित्य में देखिए कि निर्गुण भक्ति में विश्वास प्रकट किया गया है। भक्ति के दो रूप हैं, एक है निर्गुण और दूसरी है सगुण। निर्गुण भक्ति में आराध्य की प्रतिमा भक्त के सामने नहीं है, सगुण भक्ति की तरह उसमें पूजा आरती आदि बातें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की वो उपासना है और उपासना की एक पद्धति है। और निर्गुण भक्ति में देखिए कि आराध्य का स्थान, आराध्य को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उसकी प्राप्ति के मार्ग अलग हैं। योग साधना कहिए या कुंडलिनी जागरण कहिए आदि बातों का समावेश निर्गुण भक्ति में है, जो कि सगुण भक्ति में नहीं है। सगुण भक्ति अलग है और निर्गुण भक्ति अलग है। अब दूसरी है भक्तिकालीन काव्यधारा सगुण भक्ति साहित्य, अर्थात यहाँ आराध्य की मूर्ति या प्रतिमा भक्त के सामने है और आराध्य की उपासना भक्ति मार्ग के तहत यहाँ की गई है। नवधा भक्ति कहिए, नौ प्रकार की भक्ति उसमें है। तो सगुण भक्ति साहित्य की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा जिसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामचरितमानस विख्यात उनका महाकाव्य है, और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा उसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई आदि। तो यहाँ हम पूर्व पीठिका के रूप में भक्तिकालीन साहित्य की बात कर रहे हैं जिसमें निर्गुण एवं सगुण काव्यधाराओं का समावेश है। अब आगे चलकर हम बात करना चाहेंगे निर्गुण भक्ति साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा अर्थात संत साहित्य को लेकर के। ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं देखेंगे अब। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब क्या है, देखिए कि जिसमें ज्ञान उसका मूल आधार है, और ज्ञानाश्रयी शाखा की पहली विशेषता है निर्गुण भक्ति में विश्वास। अभी हमने चर्चा की भक्ति के दो रूप निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हुए आराध्य की प्राप्ति करना, बात आराध्य की प्राप्ति की है। मार्ग दो अलग है, निर्गुण मार्ग अलग है और सगुण मार्ग अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम साध्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। और निर्गुण भक्ति में विश्वास वाली बात यहाँ पर की गई है कि निर्गुण भक्ति कैसी है कि ईश्वर अजन्मा एवं अविनाशी है। हाँ, अविनाशी है, ईश्वर का विनाश अर्थात अविनाशित्व
उसका यहाँ रेखांकित है। और आगे देखिए कि क्या कहा है, निर्गुण ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है। कबीर ने भी ये बात कही है, संत कबीर जी कहते हैं, जाके मुह माथा नाही, नाही अरूप नाही रूप रूप, बहुप बासते पातरा ऐसा तत्त अनूप। अर्थात निर्गुण ईश्वर का कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, बावजूद इसके उसका अस्तित्व है। जैसे कि देखिए कि हवा का अस्तित्व हम महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ईश्वर का अस्तित्व अनुभव करने की बात है, दिखाने की बात नहीं है। इस रूप में निर्गुण की बात कही गई है, निर्गुण ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है। फिर क्या है कि ब्रह्म का अस्तित्व घट घट में है, घट घट में साई रमता कटुक वचन मत बोल रे। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का अस्तित्व है और ये अस्तित्व स्वीकार करना है, और इस अस्तित्व को लेकर के जब बात उठती है तब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। सिर्फ माया का आवरण ऐसा है जो जीव को ब्रह्म से अलगाता है। आगे चलकर रहस्यवाद में इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ब्रह्म का अस्तित्व घट घट में है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं ना काबे कैलाश में। अर्थात केवल मंदिर मस्जिद में अस्तित्व नहीं है बल्कि पूरे पूरे चराचर सृष्टि में उसका अस्तित्व है, सजीव निर्जीव सभी वस्तुओं में उसका अस्तित्व है। ब्रह्म का अस्तित्व प्रत्येक घट में है। निर्गुण ब्रह्म को अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि अभी बात कही हमने कि वो तो हृदय में ही है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसका अस्तित्व है, उसको मंदिर मस्जिद कहीं अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं है। अर्थात क्या है, देखिए कि मैं मंदिर में जाकर भजन पूजन करता हूँ ये बात सगुण भक्ति के अंतर्गत ठीक है, लेकिन निर्गुण भक्ति में ये बात नहीं कही गई है। निर्गुण भक्ति में ये बात कही गई है कि ब्रह्म को अन्यत्र खोजने की जरूरत ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि मुझ में ही ब्रह्म का अस्तित्व है, ये बात निर्गुण भक्ति में स्वीकार की गई है। तो ज्ञानाश्रय शाखा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो निर्गुण भक्ति का भी शाखा है, इसलिए निर्गुण भक्ति में विश्वास यहाँ किया गया है। गुरु की महत्ता दूसरी विशेषता है ज्ञानाश्रय शाखा की, कि गुरु की महत्ता। देखिए कि जिंदगी में गुरु का महत्व अनन्य साधारण है, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। और निर्गुण भक्ति देखिए कि सगुण भक्ति की अपेक्षा निर्गुण भक्ति थोड़ी सी अलग है, और इस अलग प्रकार की भक्ति में ईश्वर तक पहुंचाने का मार्गदर्शन कौन करते हैं, अर्थात गुरु करते हैं। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन के बिना निर्गुण भक्ति संभव नहीं है। अब देखिए कि यहाँ ये बात कही गई है ज्ञानाश्रय शाखा में कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर है। अर्थात देखिए कि सद्गुरु जिंदगी में होना और उनका स्थान कैसे है, ईश्वर से बढ़कर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। क्यों गुरु का स्थान, में कबीर ने भी ये बात कही है कि अगर गुरु और ईश्वर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं तो मैं पहले गुरु की वंदना करूंगा। इसका कारण ये है कि ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने वाले कौन है, गुरु है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति जिनके कारण हो सकती है वो उसकी भक्ति भावना, गुरु के प्रति अनन्य साधारण निष्ठा एवं श्रद्धा का भाव यहाँ प्रकट हुआ है, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और ईश्वर का चराचर सृष्टि का जीव जगत माया ब्रह्म का यथोचित ज्ञान हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो ये गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें दुनिया का वास्तविक ज्ञान देते हैं। कबीर ने ये बात कही है, देखिए सद्गुरु की महिमा अनंत
अनंत किया उगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा बढ़हार। कि अर्थात ये कहते हैं कबीर ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर हैं, संत काव्य के सिरमौर कवि कबीर हैं, जिन्होंने देखिए कि गुरु की महत्ता स्वीकार की है। कि वो कहते हैं कबीर जी कि सद्गुरु की महिमा अनंत है, सद्गुरु ने हम पर अनंत उपकार किए हैं और सद्गुरु की कृपा से हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। आंखें दो प्रकार की हैं, चर्म चक्षु मतलब हम अभी अपनी आंखों से जो देखते हैं वो हमारी आंखें, और ज्ञान चक्षु मतलब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति जब हमको होती है, ब्रह्म से साक्षात्कार होता है, तब वो लोचन अनंत उघाड़िया में वहां ज्ञान चक्षुओं को खोलने की बात की गई है। अनंत दिखा बढ़ा, जिससे देखे कि अनंत सत्ता के दर्शन संभव हो सकते हैं और अनंत की प्राप्ति हमको हो सकती है। तो कबीर जी ने यह भी बात कही है कि गुरु कैसे होने चाहिए, सदगुरु होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनियों को पड़ंत। अर्थात क्या है, जिसका गुरु अंधा है उसका शिष्य निश्चित रूप में अंधा ही होगा, क्योंकि वो सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सकेगा और ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों अंधे कुएं में गिर जाएंगे। अर्थात गुरु सद्गुरु होने चाहिए, ये भी बात कबीर ने कही है। कबीर बड़े स्पष्ट वक्ता थे और उन्होंने जो कुछ बातें कही बेबाक तरीके से कही है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के कही है, और इसलिए सद्गुरु की महिमा की सराहना कबीर ने की है, गुरु की महत्ता को लेकर के बात की है, गुरुदेव को अंग में कबीर के ये विचार प्राप्त होते हैं। दूसरी विशेषता है अगली, नाम स्मरण की गरिमा। देखिए कि निर्गुण भक्ति में आराध्य की कोई प्रतिमा सामने नहीं है तो षोडशोपचार पूजा करना या नवधा भक्ति से पूजा करना, या देखिए कि कुमकुम छापा तिलक लगाना आरती उतारना, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं है। और इसलिए क्या है, केवल और केवल नाम स्मरण को ये भक्ति महत्व देती है। नाम स्मरण कैसे करना है, ईश्वर का नाम स्मरण करते समय देखिए कि वो सच्चे दिल से करना है, कि एकाग्रता के साथ नाम स्मरण करेंगे, केवल नाम स्मरण भी करेंगे तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये बात निर्गुण भक्ति में कही है, ज्ञानाश्रयी शाखा में नाम स्मरण की गरिमा बताई गई है। अपने आराध्य की मन ही मन उपासना करते हुए केवल नाम स्मरण से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये बात ज्ञानाश्रयी शाखा में कही गई है, सभी संतों ने ये बात कही है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जात, अर्थात नाम स्मरण में ही सब कुछ सार है, बाकी दुनियादारी में बाकी बातों में कोई मतलब नहीं है। ईश्वर का नाम स्मरण करना केवल यहाँ अपेक्षित है, और जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर का नाम स्मरण करता है केवल नाम स्मरण के आधार पर उसे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म चराचर सृष्टि में सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा में कही गई, संतों ने अद्वैतवाद का स्वीकार किया है। अद्वैतवाद एक दर्शन है, शंकराचार्य जी का यह अद्वैतवाद है। क्या है अद्वैतवाद, देखिए कि उसमें शंकराचार्य जी ने ये बात कही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठ है, और जीव और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं है। सिर्फ माया का आवरण ऐसा है जो जीव को भ्रम में डालता है और भ्रमवश जीव अपने आप को माया से अलग समझता है। तो अद्वैतवादी विचारधारा में ये बात कही है कि जीव और ब्रह्म अर्थात जीवात्मा और परमात्मा अर्थात व्यक्ति और ईश्वर ये सभी एक ही हैं। इस इनमें देखिए कि क्या कहेंगे उसको कि
और अद्वैत है, द्वैत का भाव है ही नहीं, ये दो नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में ये बात कही गई है कि ईश्वर की उपासना करनी ही है आपको, लेकिन कैसे करनी है, कि आप भी ईश्वर दिव्य तत्व आप में समाविष्ट है, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए, तभी वो अद्वैत है। जीव और ब्रह्म में अद्वैत की स्थिति संतों ने स्वीकार की है। क्या है, देखिए कि अब यहाँ कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, आगे हम बताएंगे आपको। देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। क्या कहा है कबीर जी ने, एकदम सही उदाहरण, और ऐसा उदाहरण जो कि सामान्य जनता की समझ में आए। देखिए क्या कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। क्या कहा है कि एक घड़ा है, देखिए चित्र में घड़ा दिखाई दे रहा है, मिट्टी का घड़ा है और उसके अंदर पानी है, और वो घड़ा नीचे पानी में रखा गया है। अब कबीर क्या कहते हैं, देखिए कि जल में कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, कि पानी में ये घड़ा रखा है और उस घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ। अब घड़ा जब फूट जाएगा तो देखिए क्या होगा अंजाम, कि अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाएगा, और फिर दोबारा हम अलग नहीं करके बता सकते हैं कि इतना ही पानी घड़े के अंदर था। अर्थात पानी तो पानी है, चाहे घड़े के अंदर हो चाहे घड़े के बाहर हो। अब इसकी, इसका अद्वैतवाद इसमें कैसे बताया है, देखिए कि जल, जल में कुंभ मतलब घड़े के बाहर का पानी, अर्थात कौन, ब्रह्म। यहाँ देखिए कि घड़े के बाहर जो पानी है उसको ब्रह्म कहा गया है। फिर कुंभ में जल है, घड़े के अंदर का पानी, कुंभ के अंदर का पानी, वो जीव है। अब पानी चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, पानी तो पानी ही है। तो मतलब क्या हुआ, जीव और ब्रह्म दोनों एक स्वरूप हैं, दोनों अद्वैत हैं, दोनों में द्वैत नहीं है। लेकिन बीच में जो घड़ा है ना, घड़ा वो क्या करता है, घड़ा मतलब कौन है, ये माया है। माया, मोह माया के चंगुल में फंसकर, गलत बातों में की चपेट में आकर, जीव को लगता है कि हम ब्रह्म से अलग हैं। हालांकि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, फिर भी जीव को लगता है ये घड़ा जो है ना वो दोनों के बीच है, वो आवरण है, और जब वो आवरण टूट जाता है, फूट जाता है, तब जीव को जाकर के एहसास होता है, अरे मैं और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। तो इस रूप में अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, यहाँ अद्वैतवाद का सिद्धांत काम करता है। अद्वैतवाद क्या है, इसकी चर्चा हमने की है। जीव ब्रह्म और माया का विवेचन यहाँ इस दोहे में कबीर जी ने किया है, और ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने, सभी संतों ने इस अद्वैतवाद को स्वीकृति दी है। उनका कहना है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, इसलिए जीव को ब्रह्म की तलाश में अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसका अस्तित्व अपने अंदर झांक करके हम महसूस कर सकते हैं, और इसको बताने के लिए चाहिए गुरु। माया के आवरण को हटाने के लिए चाहिए गुरु, इसलिए गुरु की महत्ता इससे पहले हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता ये है कि उसमें ज्ञान का महत्व बताया है। अब देखिए कि ज्ञान का महत्व कैसे, क्या है, देखिए कि इसमें शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा आत्मज्ञान पर बल है, कि शास्त्र ज्ञान पोथी पढ़ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जन हुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। ये बात कबीर ने कही है कि शास्त्र ज्ञान की पोथी पढ़ी है, सब शास्त्र ज्ञान है, इसलिए कोई व्यक्ति विद्वान नहीं है, बल्कि जो अपने आप को पहचानता है, स्वयं की पहचान, स्वयं की शिनाख्त जिसमें है, वो आत्मज्ञान
के बारे में समझना, अर्थात जीव और ब्रह्म हम एक हैं, ये आत्मज्ञान जब होता है तब उस आत्मज्ञान के सामने शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति पर क्या होता है कि करुणा, प्रेम, त्याग जैसे उदात्त गुणों का उद्भव होता है। संतों भई आई ज्ञान की आंधी रे में कबीर जी ने ये बात कही है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह माया के भ्रम कैसे टूटते हैं, मोह माया कैसे दूर हो जाती है, और मोह माया दूर हुए बिना आत्मज्ञान होता ही नहीं है। और आत्मज्ञान जब होता है तब चराचर सृष्टि में करुणा, प्रेम और त्याग जैसे दात मूल्य उनका अस्तित्व सामने दिखाई देता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति पर माया का आवरण हटकर आवागमन से मुक्ति है। ज्ञानाश्रयी शाखा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, आवागमन से मुक्ति अर्थात 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलना और प्रत्येक योनि में जाकर के वो जन्म लेना और बाकी बातों को छोड़ना, ही आवागमन से छुटकारा ही मिल जाएगा। एक आवागमन से छुटकारा अर्थात मोक्ष की स्थिति है। और ये कब होती है, जीव को जब ब्रह्म का अस्तित्व मालूम होता है अपने आप में और अपने आप में भी। फिर ये बात आगे चल करके भी महादेवी वर्मा जी ने भी ये बात कही है, मैं तुम में प्रिय फिर परिचय क्या, अर्थात इस बात का एहसास जब मुझे होता है, अर्थात साधक को इस बात का एहसास होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मुझ में ही ईश्वर ये तत्व समाया हुआ है, तो आवागमन से छुटकारा। आवागमन मतलब क्या है, आना और जाना दुनिया में, इससे छुटकारा, इससे मुक्ति, ये कब संभव होती है, ये आत्मज्ञान के बाद ही संभव होती है। तो इस प्रकार ज्ञान का महत्व बताते हुए निर्गुण संत कवि कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पोथी की अपेक्षा चित्त की निर्मलता और आचरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। कबीर ने इस बात पर जोर दिया है आचरण की शुद्धता पर। पोथी पढ़ करके कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अगर देखिए कि पोथी पढ़ते हैं और लोगों के साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं है तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। मन की निर्मलता, चित्त की निर्मलता, चित्त शुद्धि और आचरण की शुद्धि पर ये बात यहाँ पर कबीर ने कही है। और इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा का ये मूलाधार है कि इसमें आचरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। केवल वाणी की शुद्धता नहीं, केवल देखिए कि दिखने की बात नहीं है, दिखावटीपन का विरोध करता है ये ज्ञानाश्रय शाखा। तो दिखावटीपन का विरोध करके जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो शुद्ध है, उसको आचरण की शुद्धता को यहाँ महत्व दिया गया है। धन्यवाद।